हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं इस ब्रांड न्यू सैमसंग S7 टैब। चलिए शुरू करते हैं। सैमसंग की तरफ से ये अभी अभी लॉन्च किया गया टैब S7 इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टैबलेट्स इन द मार्केट। देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है। सो दिखने में सबसे पहले हमें मिल रहा है सैमसंग का ब्रांड किया हुआ लोगो एक कवर के साथ। आइए देखते हैं और क्या क्या चीज अंदर हमको पैकिंग दी गई। आप देख सकते हैं लाइट वेट टैबलेट है, 11 इंच का स्क्रीन यहाँ पे दी गई है, बहुत प्रीमियम फेस जैसा हम कह सकते हैं कि दिया गया है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं एक स्टाइलस जिसको एस पेन कहा गया है, एकदम हल्की और गुड क्वालिटी की पेन लग रही है, एक नॉर्मल पेंसिल जो होती है हमारी उसकी तरह है एकदम। साथ साथ ये हमें एक 45 वॉट का चार्जर दिया गया है टाइप सी केबल के साथ। टाइप सी डेटा केबल, साथ में माइक्रो एसडी कार्ड डालने के लिए पिन दी गई है एंड उसके साथ उनका कंटेंट मटेरियल सब अबाउट दी इंस्ट्रक्शन। अगर हम पीछे की साइड बात करते हैं, सैमसंग का ब्रांड लोगो दिया गया है। ये जो आप चीज देख रहे हैं ये कोई स्टाइल या ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज बेसिकली ए मैग्नेटिक स्ट्रिप जो दिया गया है, जो एस पेन हमको साथ में दी गई है उसके चार्जिंग के लिए किया जाता है। अगर मैं इसको यहाँ पे प्रेस करके स्टार्ट करने के बाद लगा दूंगा तो ये यहाँ पे स्टिक हो जाएगी, और ये इतनी हाई क्वालिटी की मैग्नेटिक स्ट्रिप है, आप कुछ भी कीजिए ये पेन गिरने वाली नहीं है। उसके सिवाय हमको यहाँ पे 2 कैमराज दिए गए हैं, एक 30 मेगापिक्सल का और एक 55 मेगापिक्सल का LED फ्लैश के साथ है। आगे की बात करें तो यहाँ पे सेंटर में हमको फ्रंट कैमरा दिया गया है, 11 इंच की स्क्रीन है, टैबलेट है एकदम हल्का और लाइट वेट, ईजी टू कैरी है। साइड पे बात करते हैं तो हमको यहाँ पे पावर बटन दिया गया है, ये एक अनलॉक सिस्टम के लिए है। आप जानते होंगे कि टैबलेट्स के अंदर हम ऑन स्क्रीन या फिर बैक साइड के ऊपर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाता है, यहाँ पे पावर बटन के साथ हमें फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, जो मेरे ख्याल से बहुत इजी है। अगर आप यूज कर रहे हैं अनलॉक करने की ट्राई करते हैं, आपका फिंगरप्रिंट यहाँ पे टच होता है और ऑटोमेटिक वो अनलॉक हो जाता है। उसके सिवाय यहाँ पे आपको माइक्रो एसडी कार्ड डालने के लिए स्लॉट दिया गया है। ये टैबलेट 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल होता है, एक LTE वेरिएंट जिसमें आप सिम कार्ड डाल सकते हैं 4G सपोर्ट के साथ, और एक वाईफाई। ये वाईफाई वाला वेरिएंट है, इसके अंदर आप माइक्रो एसडी कार्ड एक्सपांडेबल मेमोरी डाल सकते हैं। नीचे की साइड बात करें तो हमको यहाँ पे एक टाइप सी का पोर्ट दिया गया है चार्जिंग करने के लिए, और 2 स्पीकर यहाँ पे दिए गए हैं अपोजिट साइड के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 पोर्ट सिमिलर पोर्ट्स दिए गए हैं। ये बेसिकली अगर आपको यहाँ पे कीबोर्ड अटैच करना है या फिर आपका अगर कवर अटैच करना है तो उसके लिए दिए गए हैं। एंड ऑन द अपोजिट साइड ऑल्सो यहाँ पे आपको 2 स्पीकर दिए गए हैं। सो टोटल कह सकते हैं 1, 2, 3, 4 टोटल 4 स्पीकर दिए गए हैं, जिससे हम कह सकते हैं इसकी साउंड क्वालिटी बेहद अच्छी होने वाली है। अब हम बात करते हैं इस एस पेन के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं सैमसंग का ब्रांडिंग किया गया है, अल्ट्रा लो लेटेंसी है, यहाँ पे वाइट कलर की निब दी गई है, और इस साइड पे आप देख सकते हैं कि प्रेस बटन दिया गया है, आपको राइट क्लिक या लेफ्ट क्लिक करने के लिए होता है, तो इस केस के अंदर ये हमको दिया गया है। चलिए अब इसको ऑन करके है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें लिखा है अनयूज्ड एप्स विल बी पुट टू स्लीप टू एक्सटेंड योर बैटरी लाइफ। सो यहाँ पे अंदर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच दिया गया है बैटरी के लिए, जिसके द्वारा आपका बैटरी कंजम्पशन कम हो और परफॉर्मेंस का एनहांसमेंट हो। सो इवन आप देख सकते हैं 11 इंच की फुल HD स्क्रीन दी गई है इसके अंदर। अब कैमरा की कुछ बात करते हैं। इसके अंदर हमें 2 कैमरा दिए गए हैं, ड्यूअल कैमरा है,
वन 15 मेगापिक्सल का दिया है और दूसरा 5 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा दिया गया है। उसके साथ साथ फ्रंट कैमरा भी दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसके साथ हमें एस पेन के साथ एक AR डूडल का फीचर हमें दिया गया है। इसके साथ एक अच्छा AR डूडल का फीचर दिया गया है कि आप लाइव कैमरा के साथ साथ इसको रिकॉर्ड करते साथ एस पेन को यूज़ कर सकते हैं। तो आइए टेस्ट करते हैं। ये मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। अब मुझे जो भी चीज़ें यहाँ पे ड्रॉ करनी है, जैसे हाय, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अगर मुझे कुछ चीज़ को हाईलाइट करनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं इसको हाईलाइट कर सकता हूँ। अलग अलग कलर्स दिए गए हैं। किया जा सकता है इसके साथ। ये बहुत अच्छा फीचर AR के साथ दिया गया है। और जैसे ही मैं उसको स्टॉप करता हूँ, अब मैं उसको प्ले भी कर सकता हूँ। अब हम फ्रंट कैमरा की बात करते हैं। फ्रंट कैमरा आप देख सकते हैं कि एक बहुत अच्छा क्लीन एंड क्लियर कैमरा इसमें दिया गया है। सेम चीज़ आप इसमें भी AR यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर के जो एस पेन के साथ दिया गया है वो हम फ्रंट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। सो चलिए कुछ बनाते हैं। अलग अलग चीज़ें आपको। अब इसकी आखिर में प्राइस के बारे में बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर दो टाइप की वेरिएंट्स मिलते हैं। एक होता है आपका सिम कार्ड के साथ LTE वेरिएंट और दूसरा होता है ओनली वाईफाई। अगर LTE वेरिएंट की बात करें तो वो 59,000 के आसपास का प्राइस मिल रहा है, और अगर आप उसमें वाईफाई मॉडल पे जाते हैं तो 55,000 पे मिल जाता है। अब अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज करते हो तो आप अपना स्टूडेंट आईडी यूज़ करके एडिशनल डिस्काउंट किया जा सकता है। सो अगर मैं स्टूडेंट आईडी के साथ बात करूँ तो इसका प्राइस मुझे 53,200 रुपीज़ पड़ा है। अगर इसके साथ आप HDFC का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर एडिशनल 5,000 का कैशबैक है। सो कुल मिला के ये टैबलेट मुझे 48,200 के अंदर मिला है। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स कि एज कंपेरिजन टू इस कंपिटिटर्स आईपैड हो या और कोई माइक्रोसॉफ्ट का सरफेस हो, ये टैबलेट वन ऑफ द बेस्ट टैबलेट्स है इन द मार्केट। अगर इसके प्रोसेसर की बात करते हैं तो इसके अंदर स्नैपड्रैगन का 865 प्रोसेसर डाला गया है, क्वालकॉम है। बहुत अच्छा फ्रेंड्स, इसके अंदर एक बहुत अच्छा फीचर दिया गया है, वो है डेक्स मोड। तो मैं दिखाता हूँ आपको डेक्स मोड क्या है। डेक्स मोड इज बेसिकली सैमसंग का एक प्रोप्राइटरी डेस्कटॉप मोड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डेक्स मोड का ऑप्शन दिया गया है। अगर मैं इस डेक्स मोड पे क्लिक करता हूँ तो ये सैमसंग का डेक्स मोड आ जाता है। और आप एक नॉर्मल विंडोज पीसी या लिनक्स या आई कैन से कोई भी पीसी यूज करो वैसी वाली फीलिंग आ सकती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कंप्लीट आपको मल्टीपल एप्स अगर एक साथ यूज करनी हो तो भी आप वो यूज कर सकते हैं। अगर मैं दो चीजें एक साथ यूज करना चाहता हूँ तो आई कैन इजीली यूजिंग, एकदम से आपको कंप्यूटर वाला फील ही आने वाला है। तो चलिए टेस्ट करते हैं इसके ऑडियो और वीडियो क्वालिटी के बारे में। ये एक हम सैंपल वीडियो प्ले करके देखते हैं कि उसमें कैसा वॉइस आता है। Hi guys, आज हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितना क्लियर ऑडियो इसमें आपको मिला गया है। तो इन नटशेल हम कह सकते हैं कि सैमसंग का टैब S7 एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है आईपैड और माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस के अगेंस्ट। अगर आपका बजट 50,000 के आसपास का है, अगर आपको एक प्रोफेशनल टैबलेट चाहिए तो जरूर इसके बारे में सोचिए।